हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू व्लॉग में। और हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं भाई सभी को। और आज है जी हरियाली अमावस्या और हो रही है भाई बूंदाबांदी, और इतनी बारिश होने के बाद में भी भाई गर्मी तो वैसे ही है जी। ये देखो सच में ही हरियाली अमावस्या पे ही एकदम से चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। सारे पेड़ पौधे खेत हमारे जो भी होते हैं जंगल बोलते हैं उनको एकदम से हरे भरे चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, बहुत ही अनाज की और पेड़ पौधों की सारी। तो भैया अभी बना रहे हैं खाना और खाने में बना रहे हैं जी, ये देखो आज खीर और चूरमा जी। ये लो जी, खीर बनाने के लिए मैंने रख दिया है अपना पतीला, और उसमें वही दूध अच्छे से उबल रहा है, दूध उबल जाएगा उसके बाद में मैंने चावल साफ कर लिए हैं अच्छे से, चावल डाल देंगे। और इधर मैंने थोड़ी सी किशमिश गर्म पानी में भिगो दी है, गर्म पानी में भी इनको भिगो देते हैं तो अच्छे से फूल जाती हैं ये, और थोड़ा सा इनका जो खरास होता है वो भी नहीं रहता है। और ये देखो भाई अच्छे से हमारा दूध उबल गया, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल और अच्छे से इसको कर देते हैं जी, मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में ये चम्मच रख देते हैं जी साइड में, नहीं तो चम्मच अंदर रखते हैं ना तो इसका जो नीचे का पतीले का जो पिंदा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, इसलिए चम्मच को साइड में ही रखना चाहिए जी। ये देखो भाई अच्छे से उबल रही है हमारी खीर। और इधर मैं बनाने लग गई हूँ जी आटा लगा करके रोटियाँ, क्योंकि दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। सुबह सुबह लगानी है जी हमें धूप, पूजा करनी है, इसलिए ये देखो भाई बस एक दो मिनट में बनने वाली हमारी खीर भी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये देखो। और इधर भाई थोड़ी सी ये हमारी किशमिश भी देखो फूल गई हैं, क्योंकि इनको पहले भिगो देते हैं तो। और इधर मैंने थोड़े से जो हमारी इलायची होती हैं उनके छिलके हटा दिए, और इनके दाने निकाल करके इनको भी अच्छे से कर लिया है जी। और इनको सारी इलायचियों को मामजस्ते में मैंने कूट लिया है, और थोड़ा सा जो हमारी इलायची थी ना उनको अच्छे से कूट लेते हैं, तो नहीं तो वो दाने दाने है ना वो भाई आजकल के, ये देखो अच्छे से कूट लिए हैं, नहीं तो जाड़ दांत खराब हो गए हैं भाई। इसलिए और किशमिश डाल दी हैं, और अभी हमने जो हमारी इलायची कूटी थी वो भी डाल दी। और ये भाई थोड़ी सी इसमें डाल दी है मैंने चीनी अच्छे से, और एक दो मिनट के लिए और पकने देते हैं, क्योंकि हमारी खीर बन के हो गई है जी रेडी, एकदम से टेस्टी बनी है ये देखो भाई। और कलर नहीं देंगे क्योंकि इसमें जो हमारे अमावस्या पे एकदम से जो सफ़ेद होता है ना उसी का भोग लगता है, तो इसमें भाई कुछ भी कलर वलर नहीं देंगे। और एक बात और बतानी है जी आप लोगों को, कभी भी मैंने जो गलती की वो मत करना, जो सिल्वर का एल्युमिनियम का जो भी अपना टोपिया यानी पतीला आता है उसमें पानी गर्म मत करना। ये देखो कैसे जितना पानी गर्म किया था उतना ऐसे का ऐसा ही ब्लैक ब्लैक हो गया, ये उतर भी नहीं रहा, कितना गंदा लग रहा है ये हमारा पतीला। तो स्टील के बर्तन में ही करना आप लोग कभी भी गर्म पानी करना हो तो। ये देखो अंदर से कितना ब्लैक हो गया और बिल्कुल भी उतर भी नहीं रहा है ये। और इधर वही बातों ही बातों में हमारी रोटियां भी बनके हो गई हैं तैयार, क्योंकि मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं तो कम ही टाइम लगता है। और मिक्सी से इनको पीस लिया है जी, ये देखो चूरमा बनके हो गया है रेडी। अभी इसमें वही घी और चीनी नहीं डाली है, वो डालेंगे हमारी मम्मी जी, और धोख लगाएंगी मम्मी जी तो वो डालते हैं और धोख लगाते हैं। ये देखो जी चीनी वीनी डाल के चीनी और घी डाल दिया है, और मेरा काम है जी बनाने का और उसके बाद में पूजा करना, घी और चीनी डालना ये हमारी मम्मी का ही काम है, तो वो कर लिया। और इधर हो रही है बारिश वो भी दिखाते हैं, ये देखो भाई सुबह सुबह उठे थे ना उसी टाइम से स्टार्ट हो रही है, और अभी बज गए हैं भाई 9 के लगभग बज चुके हैं, और बारिश अभी भी स्टार्ट ही हो रही है एकदम से। सावन में हरियाली ही हरियाली है, ये देखो कितनी खूबसूरत नज़ारा है भाई। आज मैं नीचे से दिखा रही हूँ, छत से दिखाती हूँ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है एकदम से ये देखो, क्योंकि रोज़ बारिश होती रहती है ना तो एकदम से सारे पेड़ पौधे हरे हो रहे हैं। और ये देखो भाई कितना पानी इकट्ठा हो गया, और आज तो हमने कुंड में भी डाल लिया भाई, अभी हमारी कुंड में ही डाल रहे हैं जी पानी। और ये देखो पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं सच में, बारिश से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और खाने आप लोगों को भी खाना है तो आइए जी, धूप लगा दी है बस अभी खाना ही है जी खीर और चूरमा, क्योंकि ज़्यादा वाइट भोजन होता है ना सफ़ेद, चाहे चावल हो या खीर उसी का भोग लगता है भैया अमावस्या पे, तो या तो हम खीर चूरमा बनाते हैं या बनाते हैं जी दाल और चावल।
तो इसलिए भाई खीर और चूरमा भी रेडी है, आप लोगों को खाना है तो आइए जी, आपका वेलकम है। बारिश भी हो रही है, मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है जी। अपने ब्लॉग का एंड हरियाली से स्टार्ट किया था और हरियाली पे ही आके एंड करेंगे भैया आज तो, क्योंकि आज तो हरियाली का ही दिन है, हरियाली अमावस्या है। तो भाई हरियाली से स्टार्ट किया था और ये भाई हमारे किन्नू के पेड़, ये देखो भाई रोज़ बारिश होती है तो किन्नू कितने बड़े बड़े हो गए, अभी बारिश रुकी हुई है जी पूजा पाठ करके सारे कामकाज करके, और भाई अभी बारिश रुकी है, अभी बच चुके हैं जी 10 बज चुके हैं और अभी थोड़ी बारिश रुक गई है, वैसे आ जाएगी, मौसम तो बना हुआ है जी। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना जी, कहते हैं ना अपनों का साथ हो तो इंसान कुछ ही कर सकता है जी। तो मेरे YouTube फैमिली वालों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। ये देखो भाई अंदर से सूखा सूखा हो रहा है, इतनी बारिश होती है फिर भी इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है भाई, इनके जो पत्ते होते हैं ना उनके पत्तों को थोड़ा सा ऐसे तोड़ के करते हैं ना तो एकदम से हाथों में भी अच्छी खुशबू आती है, ऐसे लगता है जैसे किन्नू ही खा रहे हैं, बहुत ही अच्छी है। और भाई मैंने मेहंदी वेहंदी कुछ नहीं लगाई क्योंकि मैंने फास्ट ही नहीं रखा है जी, इसलिए बस धोख लगाई है जी क्योंकि हमारे अमावस्या की लगती है जी धोख, और हमारी हरियाली अमावस्या की फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना जी। और यहीं करेंगे अपने ब्लॉग का एंड, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय, राम राम जी तब सभी को, थैंक यू जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जी, थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी सभी को, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।